Już bej kohost. So hello and welcome everybody. Your profit from it की ओर से मैं पीयूष पटेल आप सबका स्वागत करता हूं. August batch. So today is our final day. और मुझे पूरी उम्मीद है चार महीने पहले जब हम लोगों ने इस बैच को शुरू किया था तब से लेके आज तक काफी बदलाव हम सब लोगों ने अपने आप में अनुभव किया होगा. एंड लेट मी टेल यू दिस इज द बिगिनिंग. ये अंत नहीं है. बहुत बार जब हमें लगता है कि हम कोई जगह पढ़ाई करने गए हैं, चलो पढ़ाई कर ली, सर्टिफिकेशन आ गया, अब खत्म, ऐसा नहीं है. लर्निंग के बाद दोस्तों असल में आपकी शुरुआत होती है, क्योंकि अब आप इन चीजों को प्रैक्टिकली इस्तेमाल करोगे. अभी आपके पास टूल्स आ गए हैं, इन टूल्स का जब आप उपयोग करोगे तो आपको रियल वे में पता चलेगा किस प्रकार से ये एक एक ब्रह्मास्त्र आपको काम लगने वाले हैं आने वाले समय में. एक एक एपिसोड जो हमने बनाए थे वो चुन चुन कर इस प्रकार से डिजाइन किए गए थे कि जो आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक ले जा सके. इन पे आपको आने वाले 6 महीना प्रैक्टिस करनी होगी और जैसे जैसे समय जाएगा आपको ये जो टूल्स है इनको इस्तेमाल करने का और बढ़िया तरीके आएंगे. राइट, मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग से जब मैं आने वाले समय में मिलूंगा, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, आप सब लोग अपनी राह पे काफी आगे निकले होंगे और हाईली कॉन्फिडेंट होंगे. जिस प्रकार से हम लोग हमारे पुराने स्टूडेंट से आज भी मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है इस बात की कि किस प्रकार से सब लोग धीमे धीमे अपने लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं. तो मैं आपको, आखिरी दिन है आज, मैं आपको एक पुराने स्टूडेंट से भी जरूर मिलाना चाहूंगा, डॉक्टर मिलिंद भिड़वे, जो कि पुणे से है, बाय प्रोफेशन डॉक्टर है. और आप जानते ही हो कि मेरे हिसाब से मैं पूरे इंडिया में घूमता हूँ मिलिंद भाई, तो मैंने yes, आपके प्रोफेशन के लोगों को वैसे भी इन्वेस्टमेंट करते तो देखा है, बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं. yes, sir. Yes, sir. तो थोड़ा मैं चाहूंगा आप मैसेज दें, क्योंकि अभी आपको मेरे ख्याल से 4-1 साल होने को आए हैं कोर्स की, 2018 में शायद कोर्स किया था. मुझे थोड़ा एक्सेस चाहिए रहेगा. हमने पीपीटी बनाई है, पीपीटी यहाँ है ना, कर दी. नहीं सर, हमने अपडेट किया है और एक अच्छा अपडेट किया है, तो जस्ट मिनट में आपको एक्सेस दे देता हूँ. जी सर, प्लीज. ओके, दे दिया. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिलिंद भिड़वे प्रॉफिट फ्रॉम इट पुणे से बात कर रहा हूँ. मुझे हमेशा अच्छा लगता है कि मैं ये खुद का इंट्रोडक्शन दूं कि मैं प्रॉफिट फ्रॉम इट पुणे से हूँ, क्योंकि अगर आप मेरी जर्नी देखोगे तो बाय प्रोफेशन आई एम अ डॉक्टर. मैं पुणे में केएसबी पंप्स लिमिटेड और एंड शाफलर इंडिया तलेगांव में, ऐसे 2 मल्टीनेशनल्स में लगभग 22 साल से मेडिकल कंसल्टेंट हूँ. एंड मेरी जो जर्नी दोस्तों शुरू हुई है स्टॉक मार्केट की, वो 2007 में हुई है. जैसे सबकी होती है, किसी ने टिप दी रहती है या अच्छा पैसा बना रहता है, लेकिन वो सब जर्नी मैं आपको बताऊंगा ही. तो मैंने अभी तक जितने भी कोर्सेज किए थे, मतलब मुझे बहुत पैशन था 2007 में, क्योंकि 2007 में मेरे को, मुझे याद है कि करीब करीब 15-20 दिन में मुझे 1 लाख का प्रॉफिट हो गया था. तो वो टाइम ऐसा लग रहा था कि वो, मतलब मेरे से एक्सपर्ट कोई है ही नहीं, और वो जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, उसके बाद 2008 का जो क्रैश आया, तो उसके बाद इतनी सारी चीजें सीखने को मिली, और बट उसकी कॉस्टिंग भी बहुत गई. तो मैंने डिसाइड कर लिया, क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से था, तो हमारे यहाँ तो एजुकेशन कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस रहती है. फिर मैंने ऑलमोस्ट बैंगलोर बोलो, दिल्ली बोलो, चेन्नई बोलो, पुणे में भी कई न्यूज़पेपर में भी ऐड आती थी कि इधर स्टॉक मार्केट का कोर्स है. कोई सिर्फ मल्टी बैगर्स के भी कोर्स लेते थे, कोई टेक्निकल एनालिसिस के लेते थे. तो अलग अलग जगह जाके मैंने ऑलमोस्ट, कम से कम मेरा एजुकेशन का खर्चा 8-10 लाख का रहेगा ऑनेस्टली मैं बोलना चाहूंगा. तो इतने सारे कोर्सेस किए मैंने. तो आप में से जिन्होंने भी पहली बार प्रॉफिट प्रॉमिट का कोर्स किया है, उनको तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ इनको लॉटरी लग गई है, क्योंकि ना इन्होंने मार्केट को पैसे दिए हैं, ना गलत जगह जाके टीचिंग की है.
तो ये सबसे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन मैं उन लोगों को देना चाहूंगा जिनका ये फर्स्ट कोर्स है, क्योंकि उन्होंने मोस्ट ऑफ द आधी लड़ाई तो जीत ली है. सो गोल्डन डेज फ्रॉम माय लाइफ, मतलब 2018 में ऐसा होगा हो गया 17 के एंडिंग में दिसंबर में, सर का आई थिंक बॉम्बे में क्लास था, तो सर का मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू का शीट देखा था, और उससे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाके मैंने वैल्यूएशन का अलग से कोर्स किया था 2 दिन का. उस कोर्स में ऑनेस्टली कुछ समझा नहीं, कैपिटल एसेट मॉडल एसेट्स वगैरह अलग अलग थे, लेकिन सर का जो मेथड था वो इतना ईजी लगा. लेकिन डिसएडवांटेज में ऑनेस्टली ये भी बोलना चाहूंगा कि मुझे लगा ऐसा इतना आसान थोड़ी रहता है, मैं 2 दिन उधर इतना दिमाग खपाया, 3-4 महीने प्रैक्टिस की, कुछ नहीं हो रहा है, और सर इतना आसानी से कैसे बता पाएंगे. तो फिर मैंने डेयरिंग नहीं की और बॉम्बे का कोर्स मैंने अवॉइड कर दिया. बोला ऑलरेडी 7-8 लाख रुपए खर्चा हो गया, अभी कितना करेंगे. और घर वाले बोले कि तू हमेशा क्लास ही करता है, आउटपुट कुछ नहीं है. तो ऐसा करते करते फिर जनवरी में बैच, सर का एक बैच का वीडियो था, तो लेकिन जब बीच में जो सर की वीडियो देखे मैंने, तो मुझे इतना तो पता चला था इतने क्लासेस के बाद कि जो मैंने किया था वो गलत है, और सर जो बता रहे थे वो प्रैक्टिकल और इजी, और क्योंकि मैंने फंडामेंटल्स की काफी सारी किताबें पढ़ी थी, तो मुझे लगा कि यस सर का कोर्स करना चाहिए. तो 18, 19 और 20 जनवरी 2018 में दिल्ली का था, एक हफ्ते में डिसीजन लिया मैंने. और वो टाइम होटल्स में हमारी मीटिंग होती थी, 3 दिन का कोर्सेस रहता था. तो यहाँ से प्रॉफिट फॉर्मिट के साथ जर्नी चालू हुई, एंड आई एम वेरी प्राउड कि मैं सर के साथ हूँ, और अभी तक मेरा जो भी जर्नी हुआ है वो जबरदस्त था. लेकिन अच्छा गुरु मिलने के बाद भी कुछ चीजें होती है जो मेरे से भी गलती हो गई, क्योंकि मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ. और कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है कि ये बहुत आसान है, इसको इतना क्या वैल्यू देने का, हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है. बट मैंने अभी तक जितना भी देखा है कि मैंने इतने हार्ड कोर्स किए और वो हार्ड हार्ड चीजें करके मुझे कोई पैसा नहीं बना है, लेकिन सर ने जो सिंपल सिंपल चीजें बताई है उससे काफी सारा पैसा बना है. मेरा खुद का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, मैं जितनी भी मीटिंग सर से, अभी हमारी क्वार्टरली मीटिंग चलती है, जो मीटिंग्स में अपडेट आते हैं उसकी वजह से मेरा खुद का पोर्टफोलियो में बहुत अच्छा रिटर्न्स मुझे मिले हैं. तो मैंने जो गलती की दोस्तों, उसमें कुछ गलतियां हैं जो मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे गारंटी है कि 99% लोग यही गलतियां करते हैं, क्योंकि मैं अलग नहीं हूं, मैं आप में से ही हूं. तो मैंने, सर ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि एक्सरसाइज करने को बोला था, आपको भी होमवर्क दिया रहेगा, कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया, मैं आपकी बैच में भी था बहुत बार एक्सरसाइज में, और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अपडेट करते थे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. हमारा कोर्स कोई थियोरेटिकल कोर्स नहीं है. और एक चीज बताना चाहूंगा कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तो आप स्टॉक मार्केट की हजारों किताबें पढ़ लो, लेकिन सर का अगर आपने एक वैल्यूएशन का शीट बना लिया, तो उससे आपको जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, आपको किसी बुक में से नहीं मिलेगी, और कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी. तो सबसे बड़ी गलती क्या लोग करते हैं कि वो एक्सरसाइज नहीं करते, होमवर्क नहीं करते. ये कोई थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है, पूरा का पूरा प्रैक्टिकल है. आप जो सीखोगे वही आपको इम्प्लीमेंट करना है. तो ये सबसे बड़ी गलती आपसे नहीं हो जाए. आप कोर्स होने के बाद भी रोज 15-20 मिनट देना. डेटा स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है. मैं डेटा को हमेशा इग्नोर करता था. मैं तो दिल्ली में ऐसा हो गया कि सर के लास्ट दिन था हमारा क्लास का, और सर ने इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सेल शीट पे बता दी. मैंने एक्सेल शीट ही जिंदगी में पहली बार देखी थी. तो और कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उन्होंने ऐसा फटाफट काम कर दिया. मैं बोला यस, अपने को नहीं जमेगा ये सिर्फ एक्सपर्ट लोगों का या इंजीनियर्स का काम है, मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा थोड़ा ही जमेगा. बट उसकी वजह से जो मैंने प्रैक्टिस नहीं की, उसका काफी सारा नुकसान मुझे भुगतना पड़ा. बाद में मैंने वापस से कोप अप कर लिया, लेकिन मेरे 1-1.5 साल चले गए, जो कि आज मेरा पोर्टफोलियो और कम से कम डबल होता, जिसकी वैल्यू भी काफी सारी हो जाती थी. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक्सरसाइज करो. भले आज क्लास खत्म हो रही है, एक्चुअली ये न्यू बिगिनिंग है. मैं आपको बोलूंगा, मैं आमंत्रित भी करूंगा, आप जनवरी के बैच में आ जाओ. ऐसा नहीं है कि वन गो में आप सब कुछ सीख गए हो. हम भी नहीं सीखे 3-4 साल में. हर बार हम देखते कि कुछ नई चीजें ऐड होती है, कोर्स और बेहतरीन हो जाता है, बहुत सी अच्छी चीजें सीखने को मिलती है. दूसरा है कि मेरी एक और एक आदत थी, क्योंकि मैं हमेशा ये क्लास कर वो क्लास कर, उसके बाद क्या हो गया कि मैंने प्रॉफिट फॉर्मिट का कोर्स कर लिया, और फिर प्रैक्टिस करने की जगह मैंने और 2-3 क्लासेस लगा लिए. तो वो बताने में अच्छा लगता है ना कि मैंने इधर कोर्स किया, देखो ये फंडामेंटल का कोर्स, वो वैल्यू इन्वेस्टर के पास किया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में कोर्स करना करके आया, ये बताने में अच्छा लगता है. रियलिटी क्या है लेकिन दोस्तों, कि एक जो कोर्स आप, जो भी आपने कोर्स किया है, वो आप फोकस रखो, उतना ही स्टडी करो. मेरे को मतलब, मैं अभी 14 साल के एक्सपीरियंस के बाद यही बोलता हूँ कि भले आप 2 ही किताबें पढ़ो इन्वेस्टिंग पे, बेस्ट किताबें पढ़ो, लेकिन वो पूरी किताबें आप कंटिन्यू, आपको पूरी आनी चाहिए. रादर देन आपने 50 किताबें पढ़ ली, कुछ फायदा नहीं होगा.
तो ये कोर्स बेस्ट एंड प्रैक्टिकल है, इसको छोड़ना नहीं है आप, और अगले एक साल तक कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है, और एक साल के बाद आप खुद ही नहीं करोगे, इतना मेरा गारंटी है। देन ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आप फोकस सिर्फ ये कोर्स पे रखोगे, ये कोर्स मटेरियल है, रोज पढ़ोगे। बाद में मुझे लगता था कि हाँ देख लेंगे, इतनी आसान चीज है, थोड़ी रॉकेट साइंस है, तो मैंने कभी भी 20 मिनट नहीं दिए थे पहले डेढ़ साल में। मैं सर को ये बताना चाहूंगा, और इसका खामियाजा ना मुझे बहुत अच्छी तरह से भुगतना पड़ा। जब मार्केट बॉटम में था तो मुझे कन्विक्शन नहीं आता है। समझो पीयूष सर ने भी आपको कोई स्टॉक बताया और मैंने बताया, आपका कोई जो आइडियल है उसने भी बताया, लेकिन आपने खुद काम नहीं किया रहेगा एक्सेल शीट पे, तो आपको वो अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैंने डर के कुछ स्टॉक बेच दिए थे, लेकिन अगर जिस दिन से मैंने स्टार्ट किया एक्सेल शीट बनाना, बिहेवियर साइंस देखना, वैल्यूएशन स्टडी करना, कंपनी के सेल्स प्रॉफिट देखना जैसे सर बताते हैं, तो वो लाइफ टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए, एंड इट वॉज मैजिक मोमेंट फॉर मी। तो उससे मेरा पोर्टफोलियो एकदम सर सडनली चेंज हो गया। मेरे पोर्टफोलियो में काफी सारा कचरा था, लेकिन ये जैसे ही मैंने 20 मिनट देना चालू कर दिए, अंदर से सवाल आने लगे, ये फ्रंट रनर है क्या, ये ग्रोइंग सेक्टर में से है क्या। फिर मैं वो पोजीशन काटते गया और मेरा लॉसेस बंद होते गए, एंड पोर्टफोलियो जबरदस्त बढ़ते गया। मैंने और एक बड़ी गलती की, हमको क्या लगता है कि हमने पीयूष सर को एक क्वेरी पूछी तो सर ने जवाब दिया, भले वो 8-10 दिन में आएगा, कभी जल्दी आएगा, डिपेंड, क्वेरी का एक पूरा सेटअप रहता है, स्टेप बाय स्टेप ही आता है। तो हमारी क्वेरी का आंसर मिला कि इतना ही हम देखते हैं, लेकिन आप अगर ये देखो कि सामने वाले ने क्या क्वेरी पूछी है, उसमें से आप अगर सीखोगे ना तो आपको बहुत बढ़िया सीखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा जो स्टडी है उतना ही है, लेकिन 10 लोगों ने 10 क्वेरीज पूछी है तो आपको उतना एक्सपोजर मिल जाता है। तो सर का जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस रहते हैं, यूट्यूब का आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो करो, और वो जो भी अपडेशन आते हैं आईपीओ के वगैरह, वो सब देखना आपको बहुत जरूरी है। कभी भी व्हाट्सएप चैटिंग ग्रुप पे आप ये देखो हमेशा कि सर का पूरा मैसेज पढ़ो, सर का जो एक्सप्लेनेशन रहता है ना कि 10 साल के बाद 10 साल में इसका प्रॉफिट ग्रोथ इतना था, सेल्स ग्रोथ इतना था, कौन सी इंडस्ट्री से है, फ्रंट रनर है क्या, वेल्थ क्रिएटर है क्या, ये सब चीजें, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। आप एक बार आप इसको यूज टू हो गए ना तो आपको दुनिया में किसी एनालिस्ट की जरूरत नहीं है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैंने काफी सारी चीजें सर से सीखी है, काफी सारी मतलब बहुत सारी, ऑलमोस्ट सब कुछ। तो आज भी आप अगर देखोगे मार्केट में तो विजय केडिया रहेंगे, राकेश झुंझुनवाला रहेंगे, राधा किशन दमानी रहेंगे, इनके पास एक ही क्वालिटी है, इनके पास एक ही क्वालिटी है कि वो कंटिन्यूस टिके रहे पिच पे। बहुत से लोग डे ट्रेडिंग में चले जाते हैं, फ्यूचर ऑप्शन खेलते हैं, उनकी लाइफ दोस्तों बहुत छोटी रहती है। मेरे साथ 13 साल पहले जिन्होंने जर्नी चालू की थी, मैंने भी गलती की थी ये डे ट्रेडिंग वगैरह निफ्टी फ्यूचर्स की वगैरह, वो लोग आज मार्केट में ही नहीं है क्योंकि लॉसेस इतने हो गए। और हम जो बाकी के लोगों को देख रहे हैं, राहुल द्रविड़ हो, कलाम जी हो, या कोई भी हो, तो सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट कर देती है। मैं आपको एक ऑनेस्टली अंदर से चीज बताता हूँ जो मैंने बहुत कभी बताई नहीं, ऑलमोस्ट मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत एकदम स्मार्ट नहीं हूँ, मुझे पता है कि मैं एकदम से ग्रास्पिंग मेरा इतना नहीं है जैसे कुछ लोग एक्सेल शीट्स में और इसमें करते हैं, तो वैसा भी नहीं है। बट टिके रहा ना मैं सालों साल, अपने आप चीजें हो जाती है। 10 साल पहले भी आप अगर एशियन पे स्टडी करोगे फर्नीचर एंड पेंट्स में, तो आपको एशियन पेंट मिलेगा, आज भी मिलेगा। कोई स्टूडेंट 2 महीने में सीखेगा, कोई 4 महीने में सीखेगा, कोई 1 साल में सीखेगा, लेकिन जो कंटिन्यू है वही टिक पाएगा और पैसा कमाएगा। तो कभी कभी आपको लग सकता है कि मेरे एक बैच में ये जबरदस्त है, वो खतरनाक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ आप चलते रहो, रोज प्रैक्टिस करते रहो, आपसे बेस्ट पर्सन कोई नहीं है। देन प्रैक्टिस जो डाटा की, डाटा स्टडी जो मैंने बोला, मैं डाटा स्टडी को हमेशा इग्नोर करता था, हमेशा मैं बाकी के फंडामेंटल एनालिसिस, फिर कभी मॉर्गन स्टैनले के रिपोर्ट, इसके रिपोर्ट, बट डाटा स्टडी से दोस्तों आपको जितना सीखने को मिलता है वो किसी चीज से सीखने को नहीं मिलता है, बिलीव मी। मतलब मुझे ये ऑनेस्टली 2-3 साल के बाद पता चला कि डाटा स्टडी पे सर इतना फोकस क्यों करते हैं। डाटा आईना है, डाटा झूठ नहीं बोलता, स्टोरी झूठ बोल सकती है कंपनी की, प्रोमोटर कुछ भी बोल सकता है, कोई रिपोर्ट, कोई फर्म है ब्रोकिंग फर्म, वो किसी चीज को एग्जेगरेट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल टाटा मोटर्स का आपने देखा रहेगा, तो डाटा स्टडी क्लियरली बताता है कि वो मतलब उसकी डेब्ट बर्डन काफी सारे है, तो हम ऐसी चीजों में क्यों फंसे। लेकिन ये सब डाटा स्टडी से होगा, और डाटा स्टडी कब होगा, जब आप 20 मिनट डेली दोगे, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक ही की टेक अवे मैं बोलूंगा आपको यहाँ से लेना है, तो रोज 20 मिनट दो, नहीं जमता है सैटरडे संडे आप 2-3 घंटे जितना हो सके दो रोज। पीयूष सर के जो बाकी की वीडियो तो आप देखो ही देखो, लेकिन जो आपको एक्सेस दी गया है, लाइफ टाइम एक्सेस दिया है, कौन देता है ऐसा। तो ये लाइफ टाइम एक्सेस में रोज आप डिसाइड करो कि मैं 2 वीडियो देखूंगा जो क्लास के है मेरे,
और जो भी एक्सेल शीट है, डाटा स्टडी है, वो मैं करूंगा और आपका खुद का डाटा बैंक बनाना चालू करो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहो। मैं तो चाहता हूँ एक साल के बाद आप हमारे ऊपर भी डिपेंड मत रहो, आपके पास डेटा रहेगा, डिसीजन आपका खुद का रहेगा, एकदम पानी जैसा क्रिस्टल क्लियर आपको सब डिसीजन मिल जाएगा। यही चीज मैंने बोली कि कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। मैं भी एवरेज स्टूडेंट होके अगर मैं 4 साल टिका रहा तो मेरे साथ जितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे आज वो आउट ऑफ द मार्केट है या आउट ऑफ द टच है। तो कंसिस्टेंसी इज की, अगर आपको सच में पैसा कमाना है। वॉरेन बफेट ने भी बोला है कि आपको स्टॉक मार्केट में ज्यादा IQ की जरूरत नहीं है, आपका मतलब बहुत आप ब्रिलियंट होने चाहिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप एवरेज रहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंसिस्टेंट रहो। जो भी आदमी 20 मिनट या हफ्ते में 2 घंटे देगा उसकी वेल्थ बननी ही बननी है बस। देन अदर स्टूडेंट की जो क्वेरीज थी जैसा मैंने बताया आपको, तो उसमें से भी आप सीख सकते हो और प्रैक्टिस करते रहो हमेशा, इम्प्रूवमेंट आपकी रेगुलर जो होगी वो प्रैक्टिस से ही होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हम हर एक बैच में क्या देखते हैं, हम हर एक बैच में देखते हैं कि अमरनाथ जी जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है, कोई मीडियम स्टूडेंट है, कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट है। तो हमने क्रिएटर ग्रुप बनाया, जो स्टूडेंट खुद होके अच्छी मेहनत करते हैं और अच्छा प्रैक्टिस करते हैं तो उनको हम खींच लेते हैं ऊपर। हम क्वार्टरली रिजल्ट्स आपने जो देखा रहेगा अभी अमरनाथ जी के भी, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में हम स्टूडेंट जो स्टूडेंट का ग्रुप है सर के साथ हमारा 1:30 बजे तक डिस्कशन होता है, आपने इतना टाइम पैसा दिया है तो ये बेस्ट प्लेस है, आप क्रिएटर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ज्वाइन कौन करेगा दोस्तों, ज्वाइन वही करेगा जो 20 मिनट देगा और जिसका कुछ खुद का कंट्रीब्यूशन है। हमें स्टूडेंट भी ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें ग्रुप भरना है सिर्फ और ये दिखावे के लिए नहीं है, आप खुद आके मेहनत करो, खुद अच्छी चीजें सीखो, आपको ही फायदा होगा उससे। और अमरनाथ जी तो उसके बारे में एक्सपीरियंस बताएंगे, लेकिन मैं खुद बोलता हूँ मेरा आज जो भी पोर्टफोलियो है वो क्रिएटर ग्रुप की वजह से है और आज मैं जो भी अर्निंग है और मैं जो भी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ आगे का अर्निंग, तो वो सिर्फ क्रिएटर ग्रुप को ही कॉन्ट्रीब्यूशन है और पीयूष सर के गाइडेंस को। क्योंकि कोर्स खत्म होने के बाद एक्चुअली रियल प्रैक्टिकल नॉलेज आपका जो एप्लीकेशन है वो चालू हो जाता है। तो आप एक ब्रांडेड इंस्टीट्यूट के साथ हो और सर ऑनेस्टली मैं मेरे लिए तो सर भगवान से कम नहीं है, क्योंकि मैंने जो कुछ सीखा है, क्योंकि 13 साल थपेड़े खाने के बाद मुझे पता चला कि एक ऐसा पर्सन है जो ईमानदारी से, बाकी के लोगों को क्या होता है क्लासेस में कि आपने ये कोर्स किया फिर आप एडवांस कोर्स करो, फिर आप इतना पैसा भरो, फिर ये करेंगे, क्वेश्चन पूछने के भी लोग पैसे लेते हैं आपको अगर पता नहीं रहेगा तो। लेकिन ये पहला इंडिया का ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ स्टूडेंट को प्रायोरिटी मिलती है। आज भी 10-10 साल पुराने स्टूडेंट फ्री में क्लास ज्वाइन करते हैं, नई बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और स्टूडेंट का इतना सपोर्ट और मतलब सर का सपोर्ट की वजह से स्टूडेंट भी इतना डेडिकेशन से कर रहे हैं, तो इसकी वजह से सर को IFA का अवार्ड भी मिला है और चिंतन सर को भी। ये स्टूडेंट का और सर का कॉम्बिनेशन की वजह से है, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने सिर्फ थोड़ी सी मेहनत की या सर का कोचिंग अच्छा है, तो एक पूरा टीम वर्क है सर का कोचिंग प्लस क्रिएटर ग्रुप के स्टूडेंट्स या आप सब स्टूडेंट मिलके या हम सबको अवार्ड मिला। ये सिर्फ किसी पर्सनल का अवार्ड नहीं है, ये प्रॉफिट फ्रॉम फैमिली हिट का अवार्ड है। तो मैं सबको धन्यवाद करना चाहूंगा, एक आप बेस्ट इंडिया के इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हो। लास्ट 3 सेंटेंसेस में बोलना चाहूंगा, मैं हमेशा फीडबैक देते वक्त बोलता हूँ, एक नंबर चीज कि ये इंडिया की बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, मैं आपको बेट लगा के कह सकता हूँ, आपने कोर्स किया है तो आपका भी एक्सपीरियंस यही रहेगा। 2 नंबर, मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ पीयूष सर जैसा टीचर आपको ऑल इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा खुद का ये एक्सपीरियंस है, हम इस सब स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है। और मैं हमेशा ये चीज भी बोलता हूँ, अगर किसी को डाउट है कुछ है तो मैं बोलता हूँ कि भाई आप कोर्स कर लो, क्योंकि 3 साल हो गए हम तो आज भी सीख रहे हैं और अच्छी तरीके से सीख रहे, तो ऐसा होगा नहीं कि मैंने कोर्स किया और मुझे फायदा नहीं हुआ। तो वो कंडीशन में बोलता हूँ कि अगर आपने कोर्स किया और आपको मतलब सीखने को नहीं मिला तो आपकी फीस मैं वापस कर दूंगा, इतना कॉन्फिडेंस लेवल हम सब स्टूडेंट का प्रॉफिट फ्रॉम इट के प्रति है। तो मैं अमरनाथ जी को हैंड ओवर करने से पहले बताना चाहूंगा, अमरनाथ जी ठाकुर फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात से है। तो दोस्तों आपकी बैच में भी आपने काफी सारा मेहनत किया रहेगा, लेकिन मैंने जितने भी स्टूडेंट देखे हैं तो एक स्टूडेंट कैसा होना चाहिए तो अमरनाथ जी ठाकुर जैसा होना चाहिए, क्योंकि ये अकेले बंदे ने पिछले क्वार्टर में 25 कंपनियों के यूट्यूब वीडियो डायरेक्टली अकेले खुद अपडेट कर दिए, पूरे क्रिएटर ग्रुप का उनका जबरदस्त सपोर्ट रहता है और उनकी मेहनत भी खतरनाक रहती है, क्योंकि पैशन जबरदस्त है, उनको सीखना है एंड उनका कोई बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, BCom है बस और एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते हैं, लेकिन मेहनत करने की लगन और डेडिकेशन इतना है कि अकेले ने आज तक का हिस्ट्री है प्रॉफिट प्रॉमिट में कि 25 वीडियो किसी ने नहीं किए।
तो सर अपने साथ है, पूरी इंस्टीट्यूट अपने साथ है, बस हम हमारी तरफ से मेहनत कम ना हो जाए। ओवर टू अमरनाथ जी। थैंक यू मिलिंद सर। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ ठाकुर प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मिलिंद सर ने आप लोगों को बताया कि लर्निंग जो है वो हम कहीं से भी करें, लेकिन एक कंटिन्यूस जो प्रोसेस होती है लर्निंग की, अगर वो ना रहे तो कोई मतलब नहीं बनता है लर्निंग का। तो जैसे कि सर ने बताया कि लर्निंग जो है वो एक बहुत ही जरूरी है और कंटिन्यूअस, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कोर्स करते हैं फिर बीच में स्किप कर देते हैं, दूसरा कोर्स करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। तो जैसे कि मैं आप सभी को बताऊं तो सर से कोर्स ज्वाइन करने की इच्छा बहुत थी, लेकिन तब कोर्स ऑफलाइन था और मैं ज्वाइन नहीं कर पाया। तो मैंने यूट्यूब के जितने भी सर के वीडियो थे उसमें से कुछ प्रैक्टिकल बना लिए थे एक्सेल के, लेकिन जैसे ही मौका मिला लॉकडाउन का और सर का कोर्स जो है वो ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन कोर्स की वजह से बेनिफिट ये हो गया कि घर पे बैठे बैठे हम लर्न कर सके और इतना अच्छा और इजी वे में। जैसे कि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ तो मैथमेटिक्स से हमारा कोई रिलेशन ही नहीं रहता है, सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था और सिर्फ कंप्यूटर मेरे को एक अच्छी तरह आता था, तो इसकी वजह से जो है वो कोर्स मैंने नवंबर बैच ज्वाइन किया और 4 महीने के अंदर ही मैंने सारे प्रैक्टिकल कर लिए थे। इंडस्ट्री एनालिसिस, क्वालिटी एनालिसिस और बिहेवियर एनालिसिस के अंदर मैंने करीबन 20 कंपनी का बिहेवियर एनालिसिस कर लिया था 4 महीने के अंदर। और उसके बाद जो है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा जो क्रिएटर ग्रुप जो बनाया है सर, नेक्स्ट करिए, क्रिएटर ग्रुप जो है वो एक ऐसा प्लेस है जिसके अंदर जो है वो एक कंटिन्यू आग लगी रहती है कि जैसे ही एक क्वार्टर सेशन खत्म होता है तुरंत ही दूसरे रिजल्ट अपडेट हो जाते हैं। तो इसके अंदर जो है हम जैसे ही ऐड होते हैं, आपका लर्निंग कंप्लीट हो गया, सारे प्रैक्टिकल आपने कर लिए, तो इसके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा वैसा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो कभी आपका नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है हर एक कंपनी का एकदम डीप रिसर्च आप कर सकते हैं। सर नेक्स्ट करिए। जैसे कि सर दोस्तों आपको मैंने बताया कि क्रिएटर ग्रुप जो है वो एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर क्या है कि हर एक बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, 4-4, 5-5 साल, 6-6 साल से सर के साथ काम करते आए और उसके उनके साथ भी हमें लर्निंग करने को मिलता है। और क्या है कि वर्क डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम एक गोल पे जाते हैं कि जैसे कि क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस हो गया है, अब मुझे कौन सी कंपनी का रिजल्ट रिसर्च करना है, उस सेक्टर में डिमांड क्या है, क्वालिटी कंपनी कौन सी है और क्वालिटी कंपनी में से उसका बिहेवियर कैसा है, तो यहाँ से हमें सीखने को मिलता है। तो आप जैसे ही आपने कोर्स कंप्लीट किया, आपने क्रिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, तो आपके जो प्रैक्टिकल है वो तो ऑटोमेटिकली डेली बेसिस पर होने ही वाले हैं। सर नेक्स्ट करिए। और दोस्तों ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है कि क्रिएटर ग्रुप, जैसे कि मैंने मेरा कोर्स जो है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फेब एंड में कंप्लीट हो गया और अप्रैल के अंदर मैंने क्रिएटर ग्रुप जो है एनुअल रिपोर्ट के साथ ज्वाइन किया, लेकिन इससे इतना सीखने को मिला कि स्टॉक का प्राइस कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा उसका पूरा पता हमें डेटा के साथ रहता है, कि डेटा जो है वो ऐसा एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसकी वजह से हमें पता चलता है। अभी जो संडे को हमारा प्रेजेंटेशन है H1 एनुअल रिपोर्ट का, उसपे से क्लियरली आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट की दिशा, अभी सेक्टर कौन से ग्रोइंग है, कौन से सेक्टर जो है वो म्यूटेड फेस में, कौन से स्टॉक जो है वो लाइफ टाइम हाई लगाने वाले हैं, ये सारी चीजें हमें डीप रिसर्च से पता चल जाती है। हर एक टाइम क्या है कि सर के साथ नया लर्निंग सीखने को मिलता है, इंडस्ट्री में क्या नया चल रहा है, क्या नया आ रहा है, ये सारी चीजें हमारे ये जो डेली मीटिंग रात को होती है उसके अंदर हमें सीखने को मिलता है। और पास स्टूडेंट का जो है, जैसे कि प्रशांत सर है, विजय सर है, जयित सर है, ये स्टूडेंट जो है उनके पास एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हो गया 4-4, 5-5 साल का, तो उनका भी बेनिफिट हमें मिलता है। सर नेक्स्ट करिए। और क्या है कि एक टीम वर्क के अंदर जब हम काम करते हैं तो दोस्तों आप बिलीव नहीं करोगे, जैसे कि मैं
डाउनलोडिंग में मैं एक्सपर्ट हूं, तो मैं एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, ये सब के क्या है कि रिसर्च रिपोर्ट में डाउनलोड करके पढ़ता हूं। लेकिन हमारा जो खुद का रिसर्च रिपोर्ट जो होता है, जो ये क्रिएटर ग्रुप टीम के और से हमें मिलता है, मतलब सारे स्टूडेंट ने रिसर्च किया रहता है और बेस हमारा कौन सा रहता है, एक्सेल। तो एक्सेल जो जितना हमारा स्ट्रांग रहेगा उतनी ही आसानी से हम काम कर सकते हैं। तो पूरा एक रो डेटा हमें ऐसा मिलता है कि सारे स्टॉक की मूवमेंट और एनालिसिस रिसर्च सारा चीज जो है वो हमें एक फाइल के अंदर मिल जाता है हर 3 महीने पे, और नए लर्निंग के साथ। तो टीम वर्क का एक फायदा होता है, तो टीम में जुड़ने से ये सारे बेनिफिट है कि वर्क पूरा डिस्ट्रीब्यूट रहता है, कोई बर्डन नहीं रहता है। और धीरे धीरे क्या है कि हमारा लर्निंग अपडेट जो है, जैसे कि मैंने नवंबर बैच में जो सीखा था उससे बहुत ही ज्यादा टॉपिक अभी सीखने को मिल रहे हैं सर के साथ। नेक्स्ट सर, बेनिफिट आपके पास रहेगा कि आपका खुद का रिसर्च रिपोर्ट रहेगा आपके पास, तो उससे ज्यादा भरोसा किस पे आप करोगे। सर नेक्स्ट, दोस्तों मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात आपको बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पे एक लर्निंग करने आए हैं, हमने फीस पेड किया कुछ सीखने के लिए, कुछ सीख रहे हैं। और हमारे मन के अंदर भी ऐसा होता है कि हमारा 1 करोड़ 2 करोड़ का पोर्टफोलियो बने, लेकिन क्या है कि ये कंटिन्यूअस लर्निंग और रिसर्च से ही पॉसिबल है कि हमारा पोर्टफोलियो ग्रोथ हो। तो क्या है कि हम ऐसा सोचे कि हमें क्या है कि जो इतिहास हो गया है उसको रटना नहीं है, लेकिन जो इतिहास है उसको हम रचे, लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बने कि नहीं हमारा पोर्टफोलियो भी इतना बड़ा है। तो ऐसा कुछ हम करें। और सर की मदद तो हमें क्या है कि लाइफ टाइम मिलती है, जब भी हम कॉल करते हैं सर हाजिर रहते हैं, पूरा बैकअप रहता है, तो कोई टेंशन की डरने की बात ही नहीं यहाँ पे। थैंक यू मिलिंद सर। थैंक यू अमरनाथ जी। थैंक यू सर। पीयूष सर, यस। या थैंक यू वेरी मच मिलिंद भाई और अमरनाथ जी, जो आप लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को लोगों के साथ शेयर किया, और मुझे उम्मीद है कि आपके अनुभव लोगों को काम लगेंगे। कुछ कठिनाइयां जो वो लोग फेस करने वाले आने वाले समय में, वो कठिनाई भी वो लोग क्लियर कैसे कर सकते, इसका भी रास्ता आप लोगों ने बताया। सो दैट्स ग्रेट। 100% मैं आप दोनों की बातों से सहमत हूं कि एक बार सीखने के बाद आपको इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आप आगे बढ़ने वाले हो। जितने भी स्टूडेंट्स हैं कोई भी बैच के, देखो इतने बरसों से, दशक से ज्यादा समय हो गया है हम लोग सिखा रहे हैं, तो एक चीज तो मेरे को समझ आ गया है कि कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को आज कितना आ गया है। आने वाले समय में हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा, कोई 100 की स्पीड से गाड़ी दौड़ाएगा, कोई 50 की स्पीड से गाड़ी दौड़ाएगा, पर हम सबको अपने डेस्टिनेशन जो कि वेल्थ क्रिएशन है वहां पहुंचना है। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती है तो कोई बहुत चिंता की बात नहीं है। जब मैं किताबें पढ़ता था वॉरेन बफे साहब की, अरे 90%, हाउ मच, वो किताब में से 90% चीजें समझ में नहीं आती थी, और 90% चीजों से मैं कन्विंस भी नहीं होता था। मेरे को लगता था अरे यार ये सब क्या लिखा हुआ है, ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन देखो जैसे जैसे समय देते गए, सीखते गए, अब अगर आज वही मैं किताब पढ़ूंगा तो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई है, क्यों, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली टाइम दिया है। तो थोड़ा समय देना होगा, कितना आता है कितना नहीं आता है कोई चिंता की बात नहीं है, पर जो 4 महीने पहले थे आज हम उससे बेहतर है, 4 साल बाद यहां से और बेहतर होने वाले हैं, इस पे दोस्तों हमें फोकस करना है। देखो जब मैंने सीखना शुरू किया, जैसा मिलिंद भाई ने आपको बताया, उनको उन्होंने स्टार्ट किया 2007 में, जबरदस्त प्रॉफिट होना लगा, तो हाईली कॉन्फिडेंट हो गए होंगे। मैंने भी शुरुआत की थी, 2002 से लेके 2007 का जो माहौल था ये एकदम गर्म था, कुछ भी ले लो दूसरे दिन 15% प्लस, तो हमको भी ऐसा लगता था, मैं भी यही कहता था, अरे आज का पेट्रोल का खर्चा तो मैंने शेयर बाजार से निकाला, ये मैं वैकेशन मना के आया गोवा, मैंने शेयर बाजार से निकाला, राइट, क्योंकि माहौल जबरदस्त था। मुझे नहीं पता था कि मेरे को कुछ आता नहीं है, ये तो बाजार चल रहा है, मेरे को पैसा मिल रहा है और मैं खुश हूं, और इसी में मैं मेरी लीवरेज बढ़ाता जा रहा हूं, ओवर कॉन्फिडेंट होता जा रहा हूं। और आता कुछ नहीं था पर मैं कॉन्फिडेंट था, क्यों, पैसे मिल रहे थे,
तो क्लूलेस में शुरुआत में हो सकता है था, पर मुझे नहीं पता था. यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो. कुछ समय बाद यू थिंक यू नो. मेरे को लगता था मेरे को आता है, बट स्टिल डोंट नो. हकीकत क्या थी मेरे को नहीं पता चलता था. ये नहीं पता था कि क्या नहीं पता है. और फिर जब बाजार अपना रंग बताता है तो हमें पता चलता है कि सीखना कितना जरूरी है इस बाजार में. दोस्तों बहुत जबरदस्त नुकसान भी किया, काफी कठिनाई आई. और मेरे को एक चीज मैं आप सबके साथ 100% शेयर करूंगा कि तेजी ने नहीं सिखाया है. अगर आज आप मेरा ये जो अपग्रेडेशन देख रहे हो तो वो तेजी की वजह से नहीं है. ये जो मंदी अगर नहीं आई होती, अगर मुझे इतने बड़े नुकसान नहीं हुए होते तो शायद मैं सीखा नहीं होता. तो मेरे को ट्रेन किया है मंदी ने. राइट, एक समय आता है जब अपन डिस्करेज हो गए होते हैं. वो डिस्करेजिंगली रियलिस्टिक थी, लेकिन यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो. मेरे को नहीं पता था. मैं सोचता था यार मैं कैसे आगे बढ़ूं. बट ये जो लर्निंग की जो ये रेखा जो आपको दिख रही है, धीमे धीमे आप आगे बढ़ते जाते हो. और एक समय आता है जब आपको पता नहीं रहता है, आप में एक मास्टरी अचीव हो चुकी होती है और आपको पता रहता है कि ओके नाउ आई एम कॉन्फिडेंट. जो भी अमरनाथ जी ने क्या बताया, हमको पता है डेटा के आधार पे कोई शेयर क्यों नहीं चल रहा है, कोई शेयर क्यों टूट रहा है. तो अपने को कॉन्फिडेंट रहता है किस पे, खुद पे, बाजार पे, डेटा पे. तो ये चीज के लिए थोड़ा हमें टाइम देना होगा दोस्तों. देखो बहुत ही सिंपल सी थियरी है आउटपुट की. आउटपुट जितना ज्यादा चाहिए उसके हिसाब से शुरुआत में आपको टाइम देना होगा. देखो यहां पहले 1 का आउटपुट आता था जब 10 घंटा देते थे, पर धीमे धीमे टाइम इन्वेस्टमेंट कम हो गया. अब आउटपुट ज्यादा देते हो टाइम कम इन्वेस्ट करके. तो ये कब होता है, जब आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है. देखो 15 साल पहले मेरे को नहीं पता था क्या करना है, और ये भी नहीं पता था क्या नहीं करना है. तो मेरा जो जर्नी का 90% टाइम किधर वेस्ट हुआ, जो नहीं करना था वहां पे, जो नहीं करना था वो करके दो चीज बिगाड़ी, पैसा बिगाड़ा और समय बिगाड़ा. और ये दोनों ही चीजें लौट के नहीं आती है. पैसा वापस प्रोड्यूस करना पड़ता है, जो चला गया वो किधर से लाएंगे. पर अब देखो आउटपुट ज्यादा आता है लेस टाइम देके. कम समय हम शेयर बाजार में देंगे पर प्रोडक्टिविटी दोस्तों हम ज्यादा कर पाएंगे. राइट, सो दिस इज योर प्रोफिशिएंसी लेवल जहां पे आप पहुंचने वाले हो. राइट, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट जरूर आपको वर्कशॉप दे सकता है. ये जो आपने प्रैक्टिकल वर्कशॉप किया इस पे और प्रैक्टिस करें, और ये जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ये आपको दूर तक ले जाएगा. पर हमें यहां जाना है, हम यहां पे हैं, अब ट्रेंड चालू हो गया है. राइट, ये समय थोड़ा लगेगा, पेशेंस इतना दोस्तों जरूर रखना पड़ेगा. मैंने किताब पढ़ी थी जिसमें लिखा था 10,000 hours टू मास्टरी. मतलब कोई भी चीज की मास्टरी के लिए आपको 10,000 घंटे चाहिए. राइट, अराउंड आई थिंक आई वुड हैव रीड दिस बुक 15 years back. तो मैं तो टेंशन में आ गया. मेरी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस भी उस समय जबरदस्त चलती थी, ब्लैक बेल्ट की. मेरे को लगता था अरे बाप रे, तो यार इतनी मेहनत, 10,000 घंटे, मतलब अभी इसको दिन में गिनो तो इतना टाइम लगेगा क्या अपने को ब्लैक बेल्ट बनने में, 10 साल. ओ माय गॉड. लेकिन दोस्तों शाइन करने में आपको 10,000 घंटे नहीं लगते. यू जस्ट नीड 100 hours टू शाइन. अगर आप 100 hours देते हो एक चमक जरूर आती है. स्टॉक मार्केट हो या रियल लाइफ या कोई भी चीज जो आप सीख रहे हो, जब आप कंटिन्यू टाइम देते हो, चाहे गाड़ी चलाना सीख रहे हो, 100 hours आप गिनो. आपने अगर 100 घंटे दिए हैं तो आप पहले दिन जब थे उससे 100वें घंटे पे आप में एक चमक आ गई होगी. राइट, और उसको कंटिन्यू करते जाओ. मतलब मेरे को अगर कॉन्फिडेंट है शेयर बाजार में तो मुझे लगता है 2008 में मैं कॉन्फिडेंट था. क्यों? क्योंकि मैंने कई लर्निंग ले ली थी. ऐसा नहीं है कि मैं आज ही कॉन्फिडेंट हूं. 2008 में हाईली कॉन्फिडेंट था कि मुझे पता था मेरे को आने वाले 10 साल क्या करना है. राइट, क्यों? क्योंकि लर्निंग ले ली थी दोस्तों.
पर तब में और आज में जमीन आसमान का फर्क है मेरी थिंकिंग में भी। तो ये शाइन करने में आपको भी टाइम नहीं लगेगा, अब आप चमकने वाले हो, पर आने वाले समय में आप मास्टरी की ओर बढ़ोगे। मास्टरी मतलब क्या, हजारों मार्शल आर्टिस्ट होंगे पर मास्टरी पे कौन है? आपने जैकी चैन का नाम सुना है, आपने ब्रूस ली का नाम सुना है, वेरी फ्यू पीपल इमर्ज टू दैट मास्टरी, राइट? आपने माइक टाइसन का नाम सुना होगा, दैट इज मास्टरी। आज हमारे सामने जो कोई हीरो है, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स पर्सन, दैट इज मास्टरी। तो मास्टरी पे जाने में एक समय लगता है पर चमकने में इतना समय नहीं लगता है। जरूर बढ़िया ही करोगे आने वाले टाइम में दोस्तों स्टॉक मार्केट में। कल से आपको करना क्या है दोस्तों, गो थ्रू ऑल एक्सरसाइजेस एंड रिलेटेड वीडियोस। शांति से आपका कोर्स खत्म हो गया है, एक एक करके धीमे धीमे करके सारी एक्सरसाइज को रिवाइज करो, क्योंकि उस समय जल्दबाजी में हो सकता है कुछ चीज मिस हो गई होगी। अभी आप जब रिवाइज करोगे तो वो स्ट्रेंथ आ जाएगी दोस्तों। आपने कई चीजें जो उस समय समझ में नहीं आई होगी अभी ज्यादा समझ में आएगी, राइट? मैंने एक एक किताब जो भी मैं लाता हूं, मैंने एक किताब को एक बार नहीं पढ़ा है। हो सकता है मैंने 2006 में वॉरेन बफे वे पढ़ी थी, मुझे अच्छा समझ में आया। मैंने 2009 में जब वापस पढ़ी, मुझे लगा अरे बाप रे इतनी सारी चीजें तो मैंने क्यों, मेरे को उस समय समझ में नहीं आई। तो जब भी हम दूसरी बार कोई भी चीज को रिवाइज करते हैं और कई चीजें समझ में आती है। स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन ग्रीन डायरी, अपनी खुद की ग्रीन डायरी बनाना शुरू करो जिसमें चीजों को नोट करना है, राइट? अभी आज के जमाने में ग्रीन डायरी आपकी डिजिटल ग्रीन डायरी होती है, गूगल ड्राइव, राइट? आप डिजिटल करो या फिजिकल करो। मैं पहले डायरी रखता था जिसमें सारी चीज नोट करके रखता था, जो अलग अलग किताबों में से सीखी है, अलग अलग जगह से सीखी है। आज आप लोग गूगल ड्राइव कर सकते हो डिजिटली, जिसके अंदर अलग अलग जो भी रिसर्च आपको यहाँ से मिलेगा आप उसको सेव कर सकते हो। जितनी एक्सरसाइज आपने चार महीने में की है सब डाउनलोड करके गूगल ड्राइव में रख दो एक जगह पे, ये काम लगेगी। रीएडजस्ट एज पर द लेटेस्ट रिजल्ट। आपने जो पोर्टफोलियो बना दिया है, लास्ट वीक आप लोगों ने पोर्टफोलियो क्रिएट किया, अब करंट रिजल्ट आते हैं तो थोड़ा आपको ध्यान रहेगा, आप रीएडजस्ट कर सकते हो किधर आपको एग्रेसिव होना है, किधर आपको एग्रेसिव नहीं होना है। क्यों बंधन बैंक में वेटेज आपने इतना घटा दिया था? क्योंकि आपको पता था कि वो किस रास्ते की ओर जा रहे हैं। क्यों आप लोगों ने जस्ट अ मिनट या क्यों आप लोगों ने कुछ कंपनियों में वेटेज बढ़ाया, जैसे एफल हम लोगों ने जब लिया तब लो वेटेज था, धीमे धीमे आप वेटेज बढ़ाते गए क्योंकि वो अपनी प्रॉमिस पे खड़े उतर रहे। तो जो वेटेज है वो एज पर रिजल्ट आप लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, राइट? इंक्रीज और डिक्रीज द वेटेज टू गेन मोर। दोस्तों स्किल बिल्डिंग पे ध्यान दो, एवरी ईयर वी नीड टू इंक्रीज अवर इंप्रूव अवर स्किल। हर साल कुछ नया सीखेंगे, मैं इतना कह सकता हूं हर साल एक डेट लिख दो, आपने अगर अगस्त में ये बैच ज्वाइन की ना, अगले साल के अगस्त में वापस ज्वाइन करना, काफी अपग्रेड आया होगा उस समय के हिसाब से, राइट? तो अपग्रेड करते जाओ अपने आप, अलग अलग चीज सीखते जाओ। क्रिएटिव थिंकिंग रखो, ये मत सोचो मैं इतनी सारी अलग अलग कंपनियों के रिपोर्ट पढ़ू, अलग अलग ये करूं वो करूं। दूसरों की क्रिएटिविटी कम पढ़ो, खुद की क्रिएटिविटी पे ज्यादा ध्यान दो। जितने डेटा को आप बार बार देखोगे खुद की क्रिएटिविटी उभर के आएगी। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इसे कहते हैं दोस्तों, बिकॉज वी आर क्रिएटर। क्रिएटर किसे कहते हैं? जो डिस्कवर करते हैं, जो क्रिएट करते हैं। वो कब होगा? जब आप लोग डेटा को देखोगे, राइट? सो स्टे कनेक्टेड दोस्तों। कोर्स खत्म हो गया मतलब गुड बाय 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 नहीं, अभी कनेक्ट रहने का। देखो कितनी सारी नई नई चीजें हम लोग भी आपके साथ शेयर करते रहते हैं, अलग अलग मीटिंग्स करते, अलग अलग ट्रेनिंग सेशंस करते। क्यों? ताकि आप लोग अपग्रेड रह सको। मैं जानता हूं चार महीने के हिसाब से मुझे जो कुछ ठीक लगता था वो मैंने आपको सिखाया है, मैं ओवरलोड नहीं करना चाहता हूं। तो अब एक एक स्टेप आप बढ़ते जाओ, मैं और आपको आने वाले समय में अपग्रेड करने ही वाला हूं। दो साल बाद आप जो आज है उससे जबरदस्त अपग्रेडेड फॉर्म में होंगे, राइट फ्रेंड्स? सो फाइव स्टेप टूवर्ड वेल्थ। ये जो मीटिंग्स होती है ये भी हम लोग, देखो ये मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि हम लोग आपके एरिया में आके करते हैं ये वर्कशॉप में। आप में से कई लोग कोलकाता के थे,
कुछ साउथ इंडिया से थे, कुछ ईस्ट इंडिया से, कुछ वेस्ट इंडिया से, तो पूरे भारत से लोग हैं। पर हम आपके शहर आते ही है ना हर साल एक बार, ये तो कोविड की वजह से दो साल से नहीं आ रहे, पर चिंता मत करो, अपने को हर साल एक बार तो मिलना ही है। सो वी आर गोइंग टू मीट एवरी ईयर, वी आर गोइंग टू अपग्रेड ईच अदर एवरी ईयर, प्रैक्टिकल वर्कशॉप रहेंगे। आपको जो एक्सरसाइज में लगता है पीयूष भाई मेरे को ये चैप्टर नहीं मजा समझ में आया, रिवाइज करना है, नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल वर्कशॉप की जो नेक्स्ट बैच है उसका वो चैप्टर ज्वाइन कर लो, नए स्टूडेंट वहां पे भी मिलेंगे, उनसे भी सीखने को मिलेगा, राइट? तो टॉपिक बेस्ड अपडेट हम लोग देते हैं, अभी आईआईपी का अपडेट दिया था, उससे पहले जीडीपी का अपडेट दिया, तो हर एक चीज धीमे धीमे जो पचेगा उसके हिसाब से हम आपको देंगे। देखो यहाँ पे अपन को यूट्यूबर नहीं है कि रोज आपको कंफ्यूज करना है, रोज हजारों चीजें बतानी है, और आपको ऐसा नहीं है, हमें एक लेवल से, एक प्रोफेशनल लेवल से चलना है, राइट? अलग अलग टॉपिक्स बेस अपडेट्स आते जाएंगे, कुछ एक्सरसाइजेस आती जाएगी, जैसी अभी मिलिंद भाई और अमरनाथ जी ने क्रिएटर ग्रुप के बारे में बताया। दोस्तों ये एक अमेजिंग तरीका है अपने आप को अपग्रेड करने का, राइट? हमने एक जो भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सबका क्रिएटर ग्रुप बनाया हुआ है, ये वो ग्रुप स्टूडेंट्स का है जो लोगों की ये इच्छा है कि उनको और सीखते रहना है, तो हम ये ग्रुप में नए नए चैलेंजेस देते हैं। जैसे अभी ये एग्जिस्टिंग ग्रुप को हमने एक चैलेंज दिया था कि चलो H1 के नतीजे सबको अपडेट करने हैं, 48 घंटे में आपको रिजल्ट पेश करना है, देखो सब स्टूडेंट ने कितना बढ़िया काम किया लास्ट H1 में, और ये संडे को भी आप उसका एक पार्ट देखोगे। तो ऐसी अलग अलग एक्सरसाइज आएगी, आप सबके लिए ओपन होगी, आप उसमें पार्ट ले सकते हो, लेने का सीखने को मिलेगा, राइट? और एनुअल मीट में तो दोस्तों जरूर मिलेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम बारी बारी आप सब लोगों से बातचीत करेंगे, एंड जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक, निलय पीयूष भाई, निलय आप हो ऑनलाइन अभी? मैं हूँ ऑनलाइन, चिंतन। हाँ चिंतन भाई, हम क्या करेंगे, रेगुलर जो नॉर्मल मीटिंग है वही करेंगे, सर्टिफिकेट्स तैयार है तो वो सर्टिफिकेट्स हम एश्योर करेंगे कि कल इनको ईमेल पे मिले, डिजिटल फॉर्म में, या डिजिटल फॉर्म में, ताकि वो क्लियरिटी फटे नहीं जो व्हाट्सएप में हो जाता है। हाँ हाँ, तो कल सबको अपना अपना सर्टिफिकेट मिल जाएगी, हम ध्यान रखेंगे। हाँ जी हाँ जी, ओके, यस चिंतन भाई कंटिन्यू। यस यस, तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू पीयूष भाई। सबसे पहले आई वुड थैंक मिलिंद जी और अमरनाथ जी, जो उनका वैल्यूएबल टाइम लेके आते हैं हर बार, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो लोग बोलते हैं, बहुत ही ब्रीफ उनका समरी होता है। और फ्रेंड्स ये जो उन्होंने दो तीन पॉइंट बोले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत सालों की मेहनत के बाद आपको पता चलता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो वंस अगेन थैंक यू मिलिंद जी और अमरनाथ जी, होप टू सी यू ऑन संडे एंड ऑल द बेस्ट फॉर संडे। अभी हम सब फ्रेंड्स, बाकी के जो हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग, सॉरी थैंक यू फॉर, कंटिन्यू कर देता हूँ ऐसा हो तो। हाँ वन मिनट, हाँ जी, ओके, तो चिंतन भाई का बेटा उनकी गोद में है, कोई बात नहीं, मस्ती कर लेने दो उन लोगों को, राइट? देखो हम बारी बारी आप सबसे बातचीत करेंगे, मैं जानना चाहूंगा कि आपका अब आने वाले समय में क्या प्लानिंग है, अब किस प्रकार से आने वाले साल में आगे बढ़ना चाहते हो, राइट? ये अनुभव आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, और हम भी देखेंगे कि आपको इस आपके गोल में किस प्रकार से हेल्प कर सके। तो रिक्वेस्ट है हर एक से कि मैक्सिमम टाइम परमिटेड इज 3 मिनट, राइट? सो 3 मिनट में आप अपने आने वाले समय की गोल को हमारे साथ शेयर कर सकते हो, व्हाट यू फेल्ट अबाउट दिस कोर्स एंड हाउ यू आर गोइंग टू मूव फर्दर इन योर लाइफ, राइट? या चिंतन भाई, सो सबसे पहला नाम है जावेद ए पटेल, आप म्यूटेड हो चिंतन भाई, सॉरी जावेद भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड वेलकम। यस सर, हेलो, यस जावेद भाई, लाउड एंड क्लियर।
सबसे पहला तो मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा प्रॉफिट फ्रॉम इंक को, पीयूष सर को और चिंतन सर को. इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, डेफिनेटली इट्स वर्थ इट. बहुत कुछ सीखने को मिला और ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बहुत ऐसे रिग्रेट हो रहा है कि क्यों ये बहुत पहले मैंने नहीं सीखा. 4 मंथ पहले जब अगस्त में स्टार्ट किया था तब ऑनेस्टली कुछ भी नहीं पता था. मतलब सिर्फ जानते थे कि ऐसा कुछ है, लेकिन जब 4 महीने के बाद अब इतना तो पता चल गया है कि हाउ कैन वी इजीली आइडेंटिफाई ग्रोइंग इंडस्ट्री इज गोइंग, हाउ कैन वी इजीली फाइंड आउट द क्वालिटी कंपनी एंड हाउ कैन वी इन्वेस्ट इन रियल फेयर वैल्यू. तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा. मैं डेफिनेटली थैंक्स दिल से बोलूंगा पीयूष सर, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माई बॉटम ऑफ हार्ट. डेफिनेटली बहुत लाइफ का इम्प्रूवमेंट टर्निंग पॉइंट है मेरी, और अभी आई थिंक इसी को साथ में लेके मैं स्टार्ट करूंगा. और जो पीयूष सर ने लास्ट जो होमवर्क दिया है वो मैंने पर्सनली स्टार्ट किया है धीरे धीरे, और अपने आप जैसे चैलेंजिंग ग्रुप है, ये स्टूडेंट है, उनके साथ भी जुड़ूंगा मैं. और मैंने स्टार्ट किया है सबसे पहला गोइंग इंडस्ट्री खुद फाइंड आउट करने का. उसमें से क्वालिटी कंपनी मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट किया है अभी, जैसे डीमार्ट है, एफल है, पीआई इंडस्ट्रीज है, फिर उसके अलावा बहुत सारे. तो ऐसे शॉर्टलिस्ट अभी मतलब 3-4 इंडस्ट्रीज में से 3-4 कंपनी मैंने शॉर्टलिस्ट की है, और उसका पोर्शन मैं अभी मंथली बेसिस पे जैसे फाइनेंशियली प्लानिंग में आपने बताया था, तो एक पोर्शन धीरे धीरे बाइंग लेवल पे इंक्रीज करता जाऊंगा. और होप फॉर द बेस्ट, मेरा लाइफ का गोल यही रहेगा कि धीरे 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 करते करते एक आइडल कंपनी में ढूंढ पाऊँ. जैसे लाइक रिलैक्सो का मैंने सर का जब पीपीटी टेस्ट देखा था तो एक सिंपल सा बताया गया था कि 40 करोड़ की कैपिटल से स्टार्ट हुआ, आज वही 40 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है. तो वही मेरा भी गोल यही है कि मैं धीरे धीरे ऐसी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में इंक्रीज करता जाऊं कि आज से लेकर 22 साल बाद मेरी वो पोर्टफोलियो जो हो, जितना मेरा आज इन्वेस्टमेंट है उतना ही मुझे डिविडेंड पे करती है. तो दैट इज ओनली माई सिंपल गोल. उसके अलावा मैं इस चीज को और कंटिन्यू करने वाला हूँ. मैंने आई थिंक ज्वाइनिंग के टाइम पे ही बताया था कि आई वॉन्ट टू मूव फ्रॉम इंश्योरेंस इंडस्ट्री टू रिसर्च एनालिसिस इंडस्ट्री. तो ये कोर्स करने के बाद मैं उसका और थोड़ा डिप नॉलेज लूंगा, 2-3 एग्जाम है उसकी वो भी दूंगा. और आप प्रॉफिट फ्रॉम इट से मैं आई थिंक जब तक मैं हूँ तब तक और लाइफ लॉन्ग जब तक जिंदा हूँ तब तक जुड़ के रहूंगा, जिससे आई थिंक बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत सारे लोगों के साथ टच में रहने से बहुत सारे रिलेशन भी अच्छे बिल्डअप हो गए. तो दिस इज ओनली फ्रॉम माई साइड. आई वंस अगेन थैंक्स टू प्रॉफिट फ्रॉम इट एंड थैंक्स टू पीयूष सर एंड थैंक्स टू चिंतन सर. So thank you, Javed bhai, and congratulations and all the best. Thank you very much. हम next participant के और जाए उससे पहले बंकिम भाई आपने hand raise किया है, मैंने देखा है अभी. मैंने one more hand चिंतन जी one more हाँ जब sorry to मैं एक no problem बोलिए एक नाम लेने का भूल गया. I thank to प्रशाद also. Yes. Because प्रशाद की वजह से ही मैंने course join किया था, क्योंकि उनका मुझे फोन आया था और प्रसाद ने ही मुझे एक स्टार्टिंग बात किया था. और सॉरी टू प्रसाद, मैं उनका नाम बोलना भूल गया, बट आई रियली थैंक्स टू प्रसाद आल्सो, क्योंकि उन्हीं का इनिशियली डिस्कशन होने की वजह से मैं आज ये कोर्स कंप्लीट कर पाया हूँ. अगर उनका और मेरा इनिशियली डिस्कशन नहीं हुआ होता तो मैं भी ये कोर्स मैं पहले भी बहुत बार नहीं कर पाया ड्यू टू फाइनेंशियली, एक साथ मतलब इतनी बड़ी अमाउंट में अरेंज नहीं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. बट उनके साथ डिस्कशन हुआ, उन्होंने मुझे ऑप्शंस बताया और उसी की वजह से मैं आज ये कोर्स कंप्लीट कर रहा है. तो वंस अगेन थैंक्स टू प्रशांत आल्सो फ्रॉम माय साइड. या थैंक यू वेरी मच. और आपने जो आगे बढ़ने की जो बात की, दूसरे एग्जाम देके उसमें भी आपको जरूर गाइडेंस मिलेगा, राइट? इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की जो एग्जाम होती है जरूर उसको क्लियर कीजिएगा, पर एक बार प्रसाद से मिल लीजिएगा आप, इसके आपको और इसमें डेप्थ में डिटेल बताएगा प्रसाद. राइट जावेद भाई? श्योर श्योर सर. या थैंक यू. थैंक यू सर. थैंक यू जावेद भाई. और प्रसाद की ओर से आपके लिए मैसेज है चैट बॉक्स में. बिफोर वी कंटिन्यू, बंकिम जी आपने हैंड रेस किया है, आई विल लोअर योर हैंड अभी. आपको कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ एडिशन करना होगा, तो हम आपका जब चांस आएंगे तब यू कैन ask query or you can or you, if you want to add आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो. Our next participant is Chintan Ranjit Bhai Desai from Vadodara. Chintan bhai अगर आप online है तो I think sir वो भी connected नहीं है, no problem. अगर वो join करते हैं then we will come back to him. Our next participant is Vinod Singh Kushwa.
आई थिंक वो भी अभी कनेक्टेड नहीं है बैंगलोर से, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज अमित कुमार गौर. मेरे ख्याल से अमित भाई का भी आज ऐसा ही था, शायद नहीं ज्वाइन करने वाले थे ऐसा प्रसाद ने बोला था. हाँ मैसेज आया था उनका. नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम. अगर ये जो भी पार्टिसिपेंट अगर बाकी रह जाते हैं प्रसाद अगर वो वापस ज्वाइन होते हैं तो प्लीज लेट अस नो, उनसे बात कर लेंगे. राजेश्री यस सर ये भी नहीं होंगे मैडम. अच्छा राजेश्री मैडम भी आउट ऑफ. सब लोग घूमने निकल गए क्या प्रसाद? ऐसा घूमने सर अभी दिसंबर दिसंबर बहुत सारा सेलिब्रेशन मंथ होता है, शादियां होती है. चलो घूमो घूमो नो प्रॉब्लम. तो राजेश्वरी मैडम से भी बाद में बात कर लेंगे. राइट लोग घूमेंगे तो इंडिया बढ़ेगा. राइट राइट सही बात है. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज देवाशीष घोष फ्रॉम सिलीगुड़ी. यस देवाशीष यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर गुड इवनिंग. सर गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. मेरा ये कोर्स बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैं पीयूष सर जैसा मेरे को सर मिला. मैं बहुत दिन से ये मार्केट में हूँ लेकिन कुछ नहीं सीखा, तो ये 3 महीना में पीयूष सर का गाइडेंस से बहुत कुछ सीखा है. तो मैं फ्यूचर में भी बहुत ही अच्छा करेंगे यही मेरा जो है. तो आपके पीयूष सर का साथ मिलेगा और पीयूष सर से जैसा टीचर मिला था इसलिए मेरा फ्यूचर भी बहुत ही अच्छा होगा यही. थैंक यू लॉट. थैंक्स अ लॉट देवाशीष जी. और फ्यूचर में कभी सिलीगुड़ी आना होगा तो पक्का आपसे मिलेंगे. हाँ सर. हाँ सर जरूर जरूर सर. मैंने सुना है बहुत अच्छी जगह है. हाँ सर दार्जिलिंग के बगल में ही है सिलीगुड़ी. हाँ बहुत ही अच्छा जगह है. तो कांग्रेचुलेशन फॉर योर कंप्लीशन ऑफ कोर्स एंड ऑल द बेस्ट. हाँ सर. हाँ सर. पीएम के मुंह से भी बहुत बार सुना है ईस्ट घूमो ईस्ट घूमो. तो मेरे को लगता है बहुत टूरिज्म भेजेंगे लगता है ईस्ट इंडिया में. हाँ सर. बढ़िया. थैंक यू. नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज सोनल बोटिका फ्रॉम कोलकाता. सोनल मैडम अगर ऑनलाइन हो तो नहीं वो लिस्ट में नहीं है, नो प्रॉब्लम. तो सोनल मैडम मेरे हिसाब से जनवरी बैच ज्वाइन कर रही है. उनका आधे से मिस हो गया था राइट. उनकी कुछ एग्जाम आ गई ऐसा कुछ था ऐसा उन्होंने बताया. तो जनवरी बैच में अभी मिलेंगे वापस. सीए की एग्जाम चल रही है उनकी. सीए का प्रिपरेशन चालू है. ओके थैंक यू प्रसाद. आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज मिस्टर मिनेश पटेल फ्रॉम जयपुर. मिनेश जी यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. नमस्कार सर सबको. नमस्कार. यस सर. हेलो. यस मिनेश जी लाउड सर आपका आवाज आ रही है एकदम लाउड एंड क्लियर. सर बिल्कुल. थैंक यू सर. सर आप सबका धन्यवाद जो आपने मेरे को इस ग्रुप में जोड़ा है. और आपने प्रसाद सर का भी थैंक यू बोलना चाहूंगा जिन्होंने फोन करके मुझे मोटिवेट किया था. और मैंने ये जो कोर्स किया है इसके बाद लगता है कि भाई दूसरा कोर्स करने की जरूरत नहीं है और पहले ही कर लेना चाहिए था. लेकिन इसके सीखने बाद टेक्निकल और मजबूत हो गया मेरा. जैसे मैं टेक्निकल फंडामेंटल में भी पता चला कि फंडामेंटल भी जरूरी है. तो फंडामेंटल भी थोड़ा थोड़ा सीखा है लेकिन थोड़ा कन्फर्म तो एक्सेल की वजह से मैं थोड़ा सा अधूरा रह गया. मैं कोशिश करूंगा इसको भी पूरा करके आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा. मैंने कुछ स्टॉक निकाले थे उसके ऊपर रिटर्न भी मुझे अच्छा मिला है. जैसे ग्रेविटा इंडिया लिया था मैंने, ब्रेकआउट मिला था तो उससे टेक्निकल पे मिला तो आज लाइफ टाइम हाई भी बनाया उसने ग्रेविटा ने. और भी स्टॉक निकाले थे मैंने टेक्निकल के हिसाब से. जैसे रिलायंस लिया, रिलायंस में भी अभी जो एंगल फिल कैंडल बनाई थी इन्होंने उस हिसाब से भी जो लेवल निकाले थे 326 का और 2011 का लेवल निकाला था मैंने. तो उस हिसाब से मैंने थोड़ी बाइंग करी थी इसमें. थोड़ा आज उसमें प्रॉफिट बुक भी कर लिया मैंने थोड़ा सा. इसलिए ऐसे पीयूष सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे ऐसे सिखाते रहे और सबको भी आगे बढ़ाते रहे. एक तिरुमल केमिकल भी लिया था मैंने ऐसे ही करके. इसलिए आगे थैंक यू सर आपको सबको. थैंक यू मिनेश जी फॉर शेयरिंग योर वंडरफुल एक्सपीरियंस. बिल्कुल सर. और आपको कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट. बिल्कुल सर. थैंक यू सर. आगे बढ़ते रहे इसी से शुभकामना है. थैंक यू. ठीक सर. धन्यवाद. यस आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज प्रताप चंद्र फ्रॉम ओडिशा. आई थिंक प्रताप जी नहीं है हमारे साथ. नो प्रॉब्लम. वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्टिसिपेंट बंकिम चंद्र जी टेलर फ्रॉम नवसारी. यस जी. गुड इवनिंग बंकिम जी. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग जी.
सबसे पहले तो मैं पीयूष सर का, चिंतन सर आपका, प्रसाद जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने काफी घुमा ये सीखने के लिए। हेलो हेलो, यस बंकिंग जी, एकदम लाउड एंड क्लियर आपका, एकदम सुनेदर। मैं काफी घुमा ये सब सीखने के लिए, लेकिन आखिर में मुझे ये प्रॉपर जगह मिल गई। जो जैसे जावेद भाई ने बताया अभी, वो सब वापस रिपीट करूं उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका जो आपने जो सिखाया उसके लिए थैंक्स कहने के लिए या उसका कोई प्राइस लगाने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। एक्सेलेंट, अद्भुत, डायमंड, जो भी आप बोल सक बोलना मैं चाहूँ वो कम है मेरे लिए, क्योंकि तो मुझे एक्चुअली जैसे मिलिंद सर ने शुरुआत में बोला वैसे मैंने काफी घूमा वो चीज सीखने के लिए, लेकिन सब आखिर में दो हफ्ता 10 दिन 15 दिन का कोर्स पटा के निपटा रहते हैं, और वो ऐसा चाहते हैं कि अब ये बंदा दोबारा अपने साथ अपनी दिमाग खपाने के लिए आवे नहीं। लेकिन जिस तरह से आपने अभी तक 4 महीना लगातार कॉन्टेक्ट सपोर्ट किया, सिखाया, और आगे भी आप हमको जुड़े रहने के लिए जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो वो तो अद्भुत है सर, उसके लिए कोई मोल ही नहीं है। दूसरी चीज कि मैं आपके साथ आगे जुड़ने के लिए, क्रिएटर ग्रुप में भी जुड़ने के लिए डेली मिनिमम 2 आवर्स निकालने के लिए रेडी हूँ। हाँ, साथ में जो अभी मैंने चैट बॉक्स में भी लिखा था कि मैं एक्चुअली ये कंप्यूटर लाइन से नहीं हूँ, तो फिर भी मैंने ये जो होमवर्क किया उसमें काफ़ी कोशिश की। तो मैं ये जो अमरनाथ ठाकुर जी सर है उसके साथ उसके पास से ये सब सीख लेना भी चाहता हूँ। सर उनका नंबर भेज दिया आपको व्हाट्सएप? हाँ हाँ, मैंने देखा, प्रसाद जी ने भेजा मुझे। तो बंकिम भाई एकदम बढ़िया आगे बढ़ेंगे अभी, बराबर ना? आपका मेंटरिंग लाइफ टाइम रहेगा ऐसा मैं चाहता हूँ। दूसरी चीज मैं ये जानना चाहता था कि जैसे अगस्त बैच के सब कोर्स कंटेंट के वीडियो जो अपलोड किए हैं अपनी, हाँ। तो वो पर्टिकुलर वीडियो, क्योंकि काफी काफी चीज ऐसी है कि वीडियो देख देख के अपने को करना पड़ता है। मैंने भी जो होमवर्क किया, तो ग्रोइंग इंडस्ट्री के बाद जो ये जो क्वालिटी कंपनी का काम किया वो टाइम पे करना पड़ता है, क्योंकि एक्सपीरियंस कम है अपने को, प्रैक्टिस कम है, सॉरी, तो प्रैक्टिस की वजह, तो वो सब वीडियो अभी 4 महीना खत्म हो गया, तो वो वीडियो वापस में हम लोग देख सकते हैं ना सर? क्यों नहीं, ये तो आपके पास ही आ गया ना परमानेंट, ये 12 महीने तक आपको ऐप पे दिखेगा। ओके, राइट। अगले अगस्त के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे नया स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, तो उस समय अपग्रेडेड वर्जन होगा, हम लोग हर साल हर 12 महीने बाद इसको अपग्रेड करते हैं, तो नेक्स्ट ईयर आपको 12 महीने तक ये पूरा चीज अवेलेबल है। 12 महीने बाद जब आपको इसका अपग्रेड वर्जन सीखना है तो अगला पाव वापस ज्वाइन कर ही लेने का, साल में एक बार अपने आपको अपग्रेड कर लेने का यहाँ पे, और आपको हर साल पैसा भरने का जरूर नहीं। ना ना, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो मैंने प्रसाद जी को बताया, तो अभी जनवरी का जो बैच स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर भी मैं पार्टिसिपेट होने वाला हूँ वापस, कुछ चीज का रिपीटेशन करने के लिए। राइट, नो प्रॉब्लम, कर लेने का जो एपिसोड वीक है। पर अभी पहला टारगेट हमारा क्या होना चाहिए बंकिम भाई, कि जो अलग अलग एक्सरसाइज की थी, पहले जीडीपी सीखा, तो उसको अभी एकदम प्रॉपर वे में सजा देने का। बिल्कुल बिल्कुल, बराबर ना? आपने फिर डिमांडिंग इंडस्ट्री देखा, अभी आपको पता चलेगा आपने उसमें बहुत सी गलतियां भी की होगी, वो समय नहीं पता चलता आप। सही बात है, बराबर। तो अभी जो पूरी एक्सरसाइज की है ना उसको एकदम प्रॉपर वे में एक बार एकदम कम्प्लीट कर देने का। बिल्कुल बिल्कुल, राइट। और ये जो अपना लास्ट वीक का जो पोर्टफोलियो का था वो भी काम अधूरा था, वो भी मैंने काफी 75% कंप्लीट कर दिया है। राइट राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, और मिलेंगे भविष्य में। बिल्कुल बिल्कुल सर, या थैंक्स अ लॉट पंकिम जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बोली। हमारा साथ फॉर एवर रहेगा। आप जब प्रॉफिट फॉर्मेट में ज्वाइंट होते हो सिर्फ 3-4 महीने के लिए ज्वाइंट नहीं होते हो, ये एक लाइफ टाइम रिलेशन हो गया, अभी ये कभी कटता नहीं है, अभी सिर्फ लंबा होता है। चिंतन सर जी, मैं आपको ये वापस रिपीट करना चाहता हूँ कि मैं डेली 2-3 आवर्स स्पेंड करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ मुझे मेंटरिंग होके
काम काम मेरे रहना है मेरे से और मुझे काम करना है. नो प्रॉब्लम. ओके थैंक यू. कांग्रेचुलेशन और ऑल द बेस्ट. थैंक्स. तो अभी हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की ओर बढ़ते हैं. मिस्टर राकेश जी फ्रॉम सूरत. राकेश भाई पटेल. राकेश जी इफ यू ऑनलाइन देन यू कैन अनम्यूट. ओके आज नहीं है हमारे साथ. नो प्रॉब्लम. वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मिस्टर राहुल गायकवाड़ फ्रॉम मुंबई. नमस्कार राहुल जी. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. यस सर. चिंतन भाई. यू सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग राहुल. First of all, thank you very much, all of you, all team members of Profit from It family. Chintan sir, Piyush sir, Prasad sir, Bhumika ma'am. उनके वजह से मैंने ज्वाइन किया था. Bhumika ma'am ने काफी फॉलो किया था ज्वाइन करने से पहले. तो एक overall it was fantastic experience and great learning sessions every time. बीच में मेरा थोड़ा सा गैप हो गया था. काफी बैकलॉग रहा है अभी तक टेक्निकल एनालिसिस के सेशन से. बट आई वांट टू नो कवर अप दिस बैकलॉग इन नेक्स्ट वन मंथ. ओके नेक्स्ट 8 डेज मैंने भी ना काफी प्लानिंग किया हुआ है कि सब वीडियोज आर और जो मिस हुआ है सेशंस वो मुझे देखना है. और दिस कोर्स इज डिजाइन इन great great banner. I really want to salute you for such a fantastic methodology, step by step teaching approach. तो fundamental analysis, technical analysis दोनों भी आपने बहुत अच्छे तरीके से सिखाया, हमें guide किया. और जो step by step approach है economy, industry, quality, behavior, technical, तो सब इतना डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया इतने अच्छे तरीके से. बहुत कुछ सीखने मिला सर. थैंक यू सो मच. तो सर से तो मुझे पर्सनली काफी कुछ सीखने को मिला. जैसे उनका पेशेंस और प्रैक्टिस, डेडिकेशन, हार्ड वर्किंग और इतने अच्छे तरीके से मेंटरिंग करते हैं सबको. नेक्स्ट 10 ईयर्स में 2030 तक फॉलो करके आई कैन डेफिनेटली इन्वेस्टर पैसिव इनकम. हमारे भाई सब असाइनमेंट होमवर्क करते थे. उनसे भी जावेद भाई, बंकिम चंद्र जी, राजेश जी एंड अदर मेंबर्स उनके क्वेरीज थे और उनके जो टाइमली असाइनमेंट उन्होंने कंप्लीट किए थे उनसे भी ओवरऑल बैच मेंबर्स को काफी बेनिफिट हुआ. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. और जैसे आप सबने बताया और चिंतन जी ने भी बताया अपना जो रिलेशनशिप है इट बिकम फॉर एवर एंड लाइफ टाइम. और आप जो वीडियो अवेलेबल करके रखे हैं फॉर 12 मंथ्स आई विल अगेन एंड अगेन सी दोस वीडियोस टू लर्न मोर एंड मोर. सो दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच अगेन एंड प्राउड टू बिकम अ सर्टिफाइड फैमिली मेंबर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम आईटी टीम. थैंक यू. थैंक्स लॉट राहुल जी. या थैंक यू वेरी मच राहुल भाई. और मिलेंगे फ्यूचर में वापस हो तो. राहुल जी आप वो शहर में हैं मुंबई जहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली का बहुत बड़ा टीम है, मेंबर्स हैं वहाँ पे. तो यू कैन कनेक्ट विद देम. हमारे क्रिएटर ग्रुप में भी होंगे और बाकी सब ग्रुप्स में भी होंगे. तो यू कैन कनेक्ट विद देम. यस सर. श्योर. सो कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू सो मच. नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट मिस्टर राजेश वोरा फ्रॉम मुंबई. नमस्कार राजेश जी. नमस्कार एवरीवन. वेलकम सर. मेरा एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांग्रेचुलेट एंड थैंक्स टू प्रॉफिट फॉर मीट जो जहां पे मुझे पीयूष सर, चिंतन सर, प्रसाद, भूमिका का जो सपोर्ट मिला है वाज एक्सेलेंट. मैंने बहुत सारे बाकी सब
इंस्टीट्यूट में ये लिया था, बट जो प्रॉफिट फ्रॉम इट से मुझे जो जानना ये मिला है, जब फर्स्ट मैंने आपका फेसबुक पे एड देखा तो बोलते हैं ना कि एक जब कुछ अच्छा शुरू होने वाला है तो एक भगवान एक इंडिकेट देता है, तो वो इंडिकेशन मुझे वो फेसबुक पे जब फर्स्ट टाइम मैंने आपका ये देखा और जो एक दिन का पूरा मैंने वर्कशॉप अटेंड किया, तो बहुत दिनों से मैं कुछ चाहता था कि मुझे कुछ ऐसा मिले, तो वो एक कहावत है ना कि आप कुछ इच्छा करो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने के लिए जुड़ जाती है, तो वैसा ही हुआ और मुझे प्रॉफिट फ्रॉम इट जैसी एक बढ़िया इंस्टीट्यूट मिल गई जहाँ पे पर्सनल लेवल पे इतना क्लोजली इतना आराम से और स्टेप बाय स्टेप सिखाने के जो टेक्निक है, आई रियली सैल्यूट पीयूष भाई एंड ऑल द अदर टीम मेंबर्स, और ग्रेट एक्सपीरियंस रहा है। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि ये क्या एक एक स्टेप ऐसे जाएंगे, बट जो उसका जो फंडामेंटल्स क्लियर होने पे मुझे लगा कि नहीं, दिस इज द करेक्ट वे टू गो एंड टू बिल्ड वेल्थ। पहले क्या था कि बहुत सारे ऐसे वीडियो देख के ऐसे ही लग रहा था कि हाँ हाँ ठीक है इतना हो गया तो आ गया, और अभी भी आजकल बहुत जन ऐसे हैं मेरे दोस्त लोग जो ऐसे ही समझ रहे हैं, तो उनको मैं सबको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आपका, क्योंकि आई फाउंड यू आर द बेस्ट इन द मार्केट। बहुत जन है लेकिन क्या है वो दे आर कमर्शियली वेरी मच इन्वॉल्व, हर एक स्टेप के लिए पैसे इतने मांगते हैं और समझाने का तरीका कुछ अलग ही है जो इजीली समझ नहीं आ रहा है, बट द वे यू सर इज एक्सप्लेनिंग द एग्जांपल्स एंड एवरीथिंग आई रियली इम्प्रेस्ड, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली में ये मिला है, इन्वॉल्व होने का मौका मिला है, और लाइफ टाइम तक मैं इसमें जुड़ा रहूँगा, दैट इज मेरा भाग्य है, आई एम फीलिंग सो लक्की फॉर दैट, और अप्रिशिएट योर टीम वर्क एंड एवरीथिंग। ठीक है, मेरा बहुत कुछ थोड़ा काम की वजह से मेरा प्रायोरिटी अलग थी तो थोड़ा मेरा बीच में थोड़ा मिस हुआ है, बट मैंने डिसाइड किया है कि एवरी डे सम टाइम आई हैव टू डू प्रैक्टिस इन ऑल, बिकॉज दैट इज करेक्ट दैट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस कर करके मैं मैंने मेरे जात को कमिटमेंट दिया है कि आई हैव टू इन नेक्स्ट 2-3 months I should be at least in that, achieve that level that where can I can define my portfolio and my family portfolio. And I should be in the way of creating my wealth. क्योंकि आजकल मैंने बहुत पैसे खोए हैं उसमें, तो अब नहीं खोना चाहता हूँ, और आप लोग की वजह से पीयूष सर की वजह से मैंने जो रास्ता दिखाया है तो मैं उसका पूरे से पूरा 100% इस्तेमाल करूंगा, और मैं दुआ देता हूं प्रॉफिट फ्रॉम इट और उसके हर एक मेंबर को के आप ऐसे ही ग्रो करते रहो और हम सब साथ में चलेंगे, सब साथ का सपोर्ट रहेगा, आपका सपोर्ट हमको रहेगा, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहो, हम तुम्हारा साथ है, बस उतना कहना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर ऑल द जो जो हुआ है, जो जो आपने दिया है, दैट इज वेरी मच यूजफुल एंड वेरी मच, बस वही मैं बोलना चाहता हूँ कि आई एम वेरी मच थैंकफुल। थैंक यू वेरी मच राजेश भाई, एंड वी विल डेफिनेटली मीट इन द फ्यूचर, राइट, भविष्य में और ऊंचाई भी आगे मिलेंगे। यस सर। तो राजेश जी कांग्रेचुलेशन और All the best. Thank you. Our next participant is Mr. Sanjay from Mumbai. Thank you, Chintan bhai. Namaskar, Sanjay. Namaste. Good evening. Good evening, sir. Yeah, good evening, Sanjay bhai. Welcome. Thank you, sir. It was a nice journey last 4 months. Paise bit gaye pata hi nahi chala. But last 3-4 weeks, I was also not able to attend due to out of country. Anyway, but it was a good journey.
अच्छा रहा. अभी नेक्स्ट माय एक्शन विल बी जस्ट टू रिवीजन ऑफ ऑल द चैप्टर्स जो मिस हुआ, उसमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना है. मेनली टेक्निकल जो चालू हुआ तभी थोड़ा तीन चार क्लासेस नॉट एबल टू अटेंड, बट उस पर ज्यादा फोकस करूंगा. देन प्रिपेयरिंग माय पोर्टफोलियो, थोड़ा बहुत काम किया लास्ट वीक जस्ट आने के बाद. Okay. I have to complete that one also. Right. उसके बाद लर्निंग इज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ ज्वाइन करने के बाद मेरे पोर्टफोलियो जो पहले था आपको जैसे बताया मैंने, काफी चीजें मिस, जो कंपनीज जैसे जैसे सीखते गए कुछ कंपनीज इलिमिनेट किया जो लॉसेस हो रहे थे उसमें से. Right. To try to make good portfolio that way. आगे आगे करते रहेंगे. Right. अच्छा रहा, लेकिन इट इज अ गुड जर्नी. स्टार्ट तो मैंने आपसे ही किया था, आपका अटेंड करने के बाद आपको बोला था मैंने, मैसूर ऑडिटोरियम में एक अटेंड किया था. ओके. 2008 में, बट आफ्टर दैट अगेन मैं नाइजीरिया गया, बाद में तीन साल ज्वाइन नहीं कर पाया, बट फाइनली ये साल अच्छा रहा कि ज्वाइन बैक. ओके. बढ़िया. अभी जो आपका जो मिस हो गया है ना उसको थोड़ा रिवाइज कर लेना संजय भाई. यस सर, यस सर, मुझे वही करना. टेक्निकल में तीन चार क्लासेस नहीं कर पाया था मैं, उसमें तो ज्यादा फोकस करके पूरा कंप्लीट करूंगा मैं. अभी ये महीने में थोड़ा छुट्टियां रहेगी, अभी क्रिसमस की 8 दिन, ज्यादा फोकस करूंगा. बराबर. एंड अगेन फाइनली आई विल थैंक यू वेरी मच एज अ गुड मेंटर एंड गाइडिंग अस फॉर राइट पाथ दैट वे. इट्स अ कंटिन्यूअल प्रोसेस, वी विल ट्राई टू लर्न मोर एंड मोर एंड बी इन टच विद यू. थैंक यू सर. धन्यवाद आपको भी संजय भाई. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट संजय जी. एंड थैंक यू चिंतन भाई एंड प्रसाद आल्सो. I will say thank to him also. Thank you. Thank you. Thank you. Now moving on to next participant, Mr. Rajendra Gandhi from Vadodara. Rajendra ji, you can unmute yourself. Okay. Thank you, Chintan bhai. And I would like to thank to entire Profit From It family, you sir, Chintan sir, Prasad, everyone. And also congratulate to all the team member, August team member, as well as some other participant from the earlier batch also to complete this course. This is really a very good journey from nowhere to at least we know that where we are at this moment. So that's a great to know at least where you stand. So I'm sure that everyone got the good information and a way to go, like move forward. I'm also interested more in like creative group, and I'm from IT background, so I think my thought process more on like how we can automate and we can reduce the time in getting the information. It may be the same information, but we can deduce the time. Instead of going over there and get it, we can also, in some case, like we still need to go through the all fundamental like balance sheet or income statement and all. But if you know that, if you can, whatever we can automate, that my preference would be that still. One good thing that I have noticed about PewSir is like it is like it's a like a bonding between a student and sir. So in some cases, like if I know that my student has not done their homework or something, or not able to spend time because of XYZ reason, but he never he never said that way. He said, okay, koi baat nahi, we can do that. Maybe you can spend time and do that later on. He never said that why you're not work or something. So that is a good part that encourage people to work or complete that exercise. Even for me also, last few weeks, I could not complete my homework because of my office work and all. But still, I didn't get from the PewSir like he is not doing something like and all. So that is a good part of it, where he understand the situation of others. And definitely I'm in Roda City, so definitely
I am planning to meet you in Baroda whenever you are there. So I think thanks to all, thanks to Profit From It, Profit From It. And of course it is going like, so we have learned about the demanding industry. Now we are aware about the demanding institute for market. So all the best. Thank you. Yeah, thank you very much, Rajendra bhai. And yes, we are going to move further together. Right? Thank you. Sure. Thanks. Congratulations, Rajendra ji, and all the best. Thanks, Kinder. We move to next participant, Mr. Deepak Narwani from Jalandhar. I think wo meeting mein aaj hamare saath nahi hai, no problem. We will move to next participant, Mr. Vishal Shah from Vadodara. I think there are some health issues with Vishal bhai. Yes, yes. Prasad, and he is going to join in next batch. January batch. Yeah. Yes. We'll move to next participant, SS Anil Kumar from Bangalore. No problem. He's also not today. Next participant is Mahesh Sharma from Kolkata. Mahesh bhi nahi hai, Mahesh, no problem. Next is Prem Pratap Bhimwal from Jaipur. Prem ji bhi nahi hai, no problem. Our next participant is Narayan Puri Goswami from Navsari. Let me check the list. नहीं है जस्ट अभी कुछ देर पहले थे लेकिन प्रसाद अभी थे अभी नहीं है हाँ एग्जिट हो गए काम करना मेरे को लगता है आप जिनकी बात कर रहे थे कि जिनको वो कंप्यूटर उन्होंने अभी जस्ट लिया है लैपटॉप खरीदा वही है ना नारायणपुर वही है राइट लैपटॉप नहीं था उनके पास अभी खरीदा है वो कोई दिक्कत नहीं को कॉन्टेक्ट करके अपग्रेड कहने को करने को जरूर बोलना जनवरी में yes. ताकि कंटिन्यू कर सके राइट और कम से कम कांटेक्ट में रहे सबके राइट ओके ओके सर क्या करने का कल या परसों जब भी टाइम मिले तो ये जो बाकी रह गए पार्टिसिपेंट्स उससे एक बार कॉल कर लेना और उनका फीडबैक ले लेना नहीं आज किया था लेकिन बिजी रहा पता नहीं कहां ओके नो प्रॉब्लम थैंक यू प्रसाद ओके नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज जयसन बाबू फ्रॉम बैंगलोर नहीं वो नेक्स्ट बैच में आएंगे अभी ओके ये भी नेक्स्ट बैच है ओके हमारे साथ भरत यादव है वो भरत जी अभी रुक के हो नहीं वो नहीं मैं जनवरी बैच का था ओके अगस्त में दूसरी बार से ज्वाइन किया भरत भाई मास्टर हो गए अभी भरत भाई को नहीं पूछने का अभी ये सब टीचर में आएंगे क्रिएट अ ग्रुप में अच्छा सीखना मिला तो बढ़िया बस प्रैक्टिस करते जाओ अभी इन चीजों को प्रैक्टिस धीरे-धीरे हो रहे थोड़ा काम चल रहा है मेडिकल स्टोर चालू किया और घर बना रहा हूं अच्छा इसलिए थोड़ा लेसन में प्रॉब्लम हो रहा है राइट नो प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं अभी बस सीखने का ट्राई तो कर जिस टाइम मिलता है मैं सीखने का ट्राई करता ही हूं राइट बराबर है बस तो यूं ही आगे बढ़ते जाओ और क्या है सब लोगों को एवरीवन थैंक यू वेरी मच आप सबको पूरा चार महीना हम सबने साथ में बिताया है काफी कुछ सीखा मैंने आप लोगों से सीखा आपने हम सब लोगों से सीखा हमने हर वीक लाइव बातें की है राइट और यहां से अभी एक नई कहानी शुरू होगी आने वाले समय में जब हम लोग मिलेंगे तो जरूर चमक होनी चाहिए हमारे पोर्टफोलियो में जनरली मैं जब मिलता हूँ लोगों को तो उनको पूछता हूँ कैसा चल रहा है जब कोई बोलता है ठीक चल रहा है तो मतलब ठीक नहीं होता है ठीक चल रहा है मतलब पोर्टफोलियो मजे में नहीं है 30% डाउन है शेयर बाजार चल रहा है पर उनका पोर्टफोलियो नहीं चल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए ठीक है ना जोरदार ही होना चाहिए इंडिया से तेज म्यूचुअल फंड से तेज आपका पोर्टफोलियो बढ़ना चाहिए और वो नहीं बढ़ने के कोई कारण नहीं है क्यों नहीं बढ़ेंगे जब आप प्रॉपरली सारी चीजें करते जा रहे हो तो राइट सो नो नीड टू एटलीस्ट वरी फ्यूचर में जब भी आपको कोई भी चीज की क्वेरी होती है राइट शुरुआत में क्या कीजिए आप ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो राइट
ग्रुप में मैसेज डालोगे, पुराने भी कोई स्टूडेंट होंगे, हो सकता है कोई पुराने स्टूडेंट से भी आपको जवाब आए, राइट। और थोड़ा एनालिसिस करने का प्रयास करो क्वेरी जो आपकी है उसके ऊपर। आपको लगता है कि नहीं आपको जवाब नहीं मिल रहा है, नो नीड टू वरी, आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करो और हम लोग बातचीत करके आपको जो कोई चीज में जो क्वेरी है उसको क्लियर करेंगे, बराबर है। पर आगे बढ़ना है सबको और एक वेल्थ क्रिएटर पोर्टफोलियो बनाना है, ऐसा पोर्टफोलियो जहां पे अभी तक लोगों ने ऐसा पोर्टफोलियो देखा नहीं है, क्योंकि अभी तक इंडिया जस्ट बिगन कर रहा है। अब आने वाले समय में जो जंप हमें मिलने वाला है इंडिया को, तो बहुत से वेल्थ क्रिएटर बाहर आएंगे, वो वेल्थ क्रिएटर की श्रृंखला में हम सबका नाम आना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरी बडी फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेरी, स्टे इन टच विद अवर टीम मेंबर्स, राइट। थैंक यू पीयूष जी, बिफोर वी क्लोज, देवाशीष जी ने आपने हैंड रेस किया है सर, कुछ क्वेरी है? हाँ सर, एक क्वेरी है। हाँ बोलिए सर। जो पोजिशनल ट्रेडिंग का जो वीडियो था सर का, तो अभी वो दिखाने के लिए वो कूपन कोड मिल चल रहा है, क्या करें, मैं देख नहीं पा रहा हूँ कूपन कोड बोल रहा है। देवाशीष जी देखो, पोजिशनल ट्रेडिंग की कई चीजें हमने अभी ये टेक्निकल में कवर की थी, जैसे बैंड ऑफ द ट्रेंड है, जैसे टारगेट से, तो भी उसको अलग से वो पोजीशनल ट्रेडिंग देखने का कोई जरूर नहीं है, बराबर ना। वो आपको इसी के अंदर हमने कवर किया, पहले हम ये सब चीज नहीं सिखाते थे पुरानी बैचेस में, राइट ना। मेरे को लगता था कि धीमे धीमे लोगों को समझाने का जैसे जैसे समय बीतेगा ताकि कंफर्टेबल होते जाए, लेकिन जब आजकल सब लोग इतने फास्ट है तो हमने ये चीज भी इंक्लूड कर दी, राइट। तो आप यहीं से देखो सब चीजें, बराबर ना। हाँ जी, ओके सर, थैंक यू सर। राजेश जी आपने हैंड रेस किया है? हाँ, जस्ट पूछना था, ये व्हाट्सएप ग्रुप कंटिन्यू रहेगा ना सर? हाँ हाँ, वो तो कंटिन्यू ही है ना राजेश भाई, और कितने जब से व्हाट्सएप बना तब से कंटिन्यू है। बराबर ना, ओके सर। या कांटेक्ट में तो 100% रहने ही वाले, व्हाट्सएप जरिया है, ऐप जरिया है, हम लोग आपके सिटी में आएंगे तब हमारी और से कॉल आएगा आपके ऊपर इंडिविजुअली, पर्सनली मिलने का भी बहुत। हम कोई भी सिटी में आते हैं राजेश भाई, तो पहले स्टूडेंट से मिलते हैं और फिर हम मीटिंग करते हैं, जो मीटिंग हमारी जो होती है सालाना, जो भी आपने ऑडिट मैसूर ऑडिटोरियम वाली जो बताई लोगों ने, तो ये मीटिंग में हम बाद में मिलते हैं, उसके अगले दिन हम पहले सब स्टूडेंट से मिलते हैं, पहले तो हम सबको मिलना ही, बराबर है। बॉम्बे का कुछ फाइनल हो गया सर डेट अपकमिंग? नहीं नहीं, नहीं अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, नेक्स्ट ईयर से ही करेंगे जी 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 जी, राइट सर जी, थैंक यू अपना ऑफिस बड़ौदा में है ना आपका? हाँ, बड़ौदा, राइट। आई थिंक सबका क्वेरी आज क्लियर हो गया है, सो कांग्रेचुलेशंस वन अगेन वंस अगेन टू ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, everybody. Thank you. Thank you, everybody. Thanks. Thank you.